ओके गाइस, भाई रुको 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 रुको, बहुत जल्दी सीन हो जाएगा ये तो भाई। नहीं 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 नहीं। ओके तो हेलो दोस्तों, आ चुके एक और नए आर्क असेंडेड के एपिसोड में, तो स्वागत है गाइज आपका। तो गाइज पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि मैंने ये छोटा मोटा प्रोग्रेस कर लिया था, और भाई मैंने किए थे अपने दो डायनो टेम, जिसमें एक था हमारा पेटोडॉन, दूसरा था हमारा पैरासोर, जो कि गाइज काफ़ी ज़्यादा सही थे। अभी गाइज मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें नहीं थी जो कि मैं पेटोडॉन की सैडल बना पाता, क्योंकि भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे पास नहीं है भाई, मेरे को बहुत सारी चीज़ें ग्राइंड करनी पड़ेगी। और गाइज बहुत से लोग ये कहते भाई वीडियो बड़ी बनाओ और भाई ग्राइंडिंग दिखाओ, भाई ग्राइंडिंग दिखाएंगे ना तो भाई आधे ज़्यादा बंदे नहीं देखेंगे भाई, मैं जानता हूँ। गिने चुने लोग हैं जिनको ग्राइंडिंग पसंद है, अगर भाई किसी को ग्राइंडिंग पसंद है तो भाई मैं लाइव करता हूँ भाई ग्राइंडिंग, वहाँ देख लिया करो आके भाई। वीडियो में ग्राइंडिंग कोई मतलब नहीं रहता यार, कितना देखोगे भाई, मैं घंटे दो घंटे अगर ग्राइंडिंग करता तो वो देखोगे क्या? तो गाइस उसका कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ मज़ेदार चीज़ें और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें देखो भाई, इसी में ज़्यादा मज़ा आता है। तो चलते गाइस जल्दी से एपिसोड स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। ओके तो गाइस सबसे पहले मैं आपको सारी चीज़ दिखा देता हूँ भाई, मैंने अपना पाइक वगैरह ये सारी चीज़ बना ली थी। मैं सोच रहा था नारकोटिक्स वगैरह बनाऊं, बट नारकोटिक्स बनाने के लिए मेरे पास ज़्यादा स्पॉइल मीट नहीं है। स्पॉइल मीट यार काम करता हूँ, स्पॉइल मीट मैं किसी के अंदर रख के और या फिर मैं अपने अंदर ही डाल के चला जा रहा हूँ, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, देख सकते हो ज़्यादा टाइम नहीं है इसको। मैं एक काम करता हूँ, स्प्लिट ऑल कर लेता हूँ, जितना होगा उतना हो जाएगा। ओके 200 बन जाएगा, तो एक काम करता हूँ, स्पॉइल मीट चाहिए है इसको अपने को, नारकोटिक्स बनाने के लिए स्पॉइल मीट चाहिए, तो 28 सेकंड बाद ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। रुको गाइस अभी एक काम करते हैं भाई, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। तो गाइस ये वर्क बेंच है, देख सकते हो मैंने ये किया था, आज मैं कोशिश करूँगा इसको बनाने का, सबसे पहले तो कोशिश करूँगा ये बन जाए, और इसके अंदर बनता क्या है वो सारी चीज़ दिखा देता हूँ मैं। तो गाइस ये है वो ट्रीट्स में काम करता हूँ, सारी चीज़ें मैं खोल लेता हूँ। तो गाइज़ ये सारी ट्रीट्स हैं, चार ट्रीट मोस्टली लगती हैं, और ये कुछ ज़्यादा ही एडवांस हो जाती है, इसके लिए तो अपने को ये सारी ट्रीट्स चाहिए रहेंगी। तो गाइज़ सबसे पहले तो मेरे को बनाना पड़ेगा अपना बेड की ट्रीट, जो कि भाई सच में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। इसके लिए मेरे को चाहिए अल्फा का ब्लड और काफ़ी सारी बेजीज और बेड एस का टोकन, जो कि गाइज़ मेरे को बेड एस के जो डायनोज हैं उनको मार के मिलेगा, अल्फा के डायनोज को मार के मिलेगा। तो गाइज़ आज बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले हैं, तो गाइज़ जल्दी से चलते हैं, काफ़ी सारे डायनोज को मारते हैं और ये सारी चीज़ें कलेक्ट करते हैं, मज़े आएंगे गाइज़, और कोशिश करते हैं ये बनाने का। ओके तो गाइज़ सबसे पहले तो यार मेरे को एक घर चाहिए है, तो सबसे पहले तो एक घर की लोकेशन ढूंढते हैं, वहाँ पर ये सारी चीज़ें करते हैं। मोस्टली यहाँ पर इतने ज़्यादा हैवी डायनोज नहीं है जो कि मेरे को ज़्यादा कुछ हार्म करें, तो ओपन बेस बना लेंगे, बाद में जो कवर अप वगैरह रहेगा वो मैं कर दूंगा। ओके चलते गाइस, सबसे पहले तो मैं अपने पेटोडॉन के लिए एक अच्छा सा सैडल बनाने की कोशिश करता हूँ, तो सबसे पहले मेरे को कुछ डायनोज है जिनको मारना पड़ेगा, चलते गाइस जल्दी से। ओके गाइस तो देख सकते हो यहाँ पे है मेरे पास ट्राइक, बट ये भाई 500 लेवल का ट्राइक है, क्योंकि भाई सच में बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर भी ट्राइक घूम रहे हैं भाई, ये भी 580 लेवल के ट्राइक हैं, यहाँ पर एक बच्चा भी घूम रहा है, तो यार एक 25,000 लेवल का। एक काम करता हूँ गाइज, अगर मैं इसको मार पाता हूँ ना तो मैं डोडो को मार के देख, आई थिंक इस पर बोला लग जाएगा। और ये क्या है, लो भाई इस पर बोला लग जाएगा, तो एक बार काम करता हूँ इस पर बोला मार के देखता हूँ कि बोला लग पाएगा कि नहीं इस पर। ओके गाइज बोला तो लग जाएगा इस पर। ओके गाइज टाइम लगेगा थोड़ा इसको मारने में, बट जल्दी जल्दी करते गाइज इसको मारता हूँ मैं। ओके भाई मेरे पीछे ये पड़ चुके, रुको भाई। ओके ऐसे जल्दी मर जाएगा ये, बट मेरे पास कोई आ ना जाए जब तक। ओके गाइस फाइनली ये मर चुका है, मेरे पास वो भी है। ओके गाइस मेरे को काफी सारी चीजें मिल चुकी है भाई, मेरे को बेडेस्ट चीज। ओके भाई काफी सही चीजें मिल चुकी हैं, रुको जरा भाई, मेरे को कोई तो मार रहा है। तो गाइस पहला डायनो मैं मार चुका हूँ, और भाई वो था हमारा अल्फा का डायनो, जो कि भाई सच में काफ़ी सही था। अभी भाई मेरे को यार कुछ ऐसी चीज़ ढूंढनी पड़ेगी जिससे मैं अपना क्रेटीन वगैरह ले सकूं। आई थिंक यहाँ पे चीटी वगैरह होगी कि नहीं, एक तो भाई गेम बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है सच में, बहुत ज़्यादा ही लैगी है ये। ओके भाई एक ऐसा डायनो ढूंढना पड़ेगा जिससे मैं सारी चीज़ें ले सकूँ भाई, एक बेड एस का भी डायनो है। एक काम करता हूँ, ये 4000 हेल्थ है ना इसकी, रुको भाई इसको भी मार के देखता हूँ, अगर मेरे को बेड एस ट्रीट वगैरह मिल पाती है तो मज़े आ जाएंगे। बट इस पे दिक्कत ये है कि बोला लगता है कि नहीं ये नहीं पता, और यहाँ पे घूम रहा है एक अल्फा का डायनो भाई। हेलो ये कौन सा डायनो भाई, प्राइम का डायनो ब्रो, भाई प्राइम का डायनो यार ये। अभी ये उड़ क्यों गया, वो डायनो उड़ क्यों गया, बट भाई उसका घर मिल गया। रुको 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 भाई एक सेकंड,
गाइस आई थिंक मेरे को यहाँ पे लूट मिल सकती है। ओके मैं इनको मार देता हूँ, रुको जरा भाई। हेलो ओके भाई, इसमें मेरे को सामान मिल जाएगा। ओके गाइस मेरे को काफी सारा सामान मिल चुका भाई, भाई सब क्या ही लूट है ब्रो। गाइस देख सकते हो ये भागता भागता आ रहा है और ये अभी जाएगा। ओके ये मर जाएगा काफी जल्दी, मेरे को भाई इसको मैं मारता हूँ। ओके ये तो काफी ज्यादा जल्दी मर चुका है। ठीक है गाइस, और कौन है बे? अरे यार कितने डायनोज आएंगे मेरे पास। ओ हेलो, इसने मेरा आर्मर छील दिया ब्रो। भाई इसमें भी मेरे को काफी सारा सामान मिल चुका है। ओ भाई कैरेट मिल चुके गाइस मेरे को हाइड का ये भी मिल चुका है। एक सेकंड रुको, एक काम करता हूँ, ये दोनों चीजें पहन लेता हूँ और अभी सही है। थोड़ी सी अपने हेल्थ में पॉइंट डाल देता हूँ, बाकी मेरे पास पैंट्स तो ओके। गाइस देख सकते हो मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें मिल चुकी हैं यार, ये भी चेस्ट पीस। ठीक है भाई देख सकते हो मैं काफ़ी ज़्यादा सही हो चुका हूँ, और ये भी घूम रहा है मेरे पास। रुको एक सेकंड, अगर मैं इसको गिरा पाता हूँ ना तो इसको गिराता हूँ। ओके गाइस फाइनली ये गिर गया है। अभी रुको इसको मारता हूँ सबसे पहले तो मैं। ओके भाई बहुत जल्दी मर चुका है। रुको 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 रुको, भाग कहाँ रहा है भाग कहाँ रहा है, चाहता कहाँ है भाई। एक तो लैग हो रहा है ना इतना गंदा। गाइस मेरे को उस डायनो को मार रहा है, बट यार उसकी 80,000 हेल्थ है यार, बहुत ज़्यादा है वो तो। ओके भाई ये तो मिल चुका है, और गाइस मेरे को मिल चुका है बैडेस का टोकन। तो गाइस अभी मेरे पास दोनों टोकन हो चुके हैं, और भाई ये तो कोई थैरी घूम रहा है बैडेस का। ठीक है अपने को ये नहीं चाहिए। चलो गाइस मेरे को काफ़ी सारी लूट मिल चुकी है। गाइज ये है मेन चीज़ गाइज, मेरे को इसको मारना है जो कि भाई सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है आगे जाके। गाइज सबसे पहले तो मेरे को इसको मारना है, इसको कैसे मारूँ अब मैं भाई, इतने सारे हैवी हैवी डायनोज हैं यार, कैसे मारूँगा मैं इनको भाई, सीरियसली भाई भाई इन डायनोज को कैसे मारूँ मैं। ओके भाई मेरे को भाई मार दिया है भाई, सीरियसली भाई गोल्डन ट्रीट आ गई भाई, गोल्डन टर्की आ गई थी भाई, गोल्डन ट्रीट क्यों बोल रहा हूँ भाई, सच में क्या दिमाग खराब था ये। अभी यार मेरे को कैसे मिलेगा सामान भाई साहब। वैसे काम करता हूँ रुको भाई जरा, अगर मेरा जो टूल्स है ना ये अपग्रेड अगर हो पाता ना मैं करता हूँ। रुको भाई मेरे पास काफ़ी सारा मेटल तो आ चुका है, अगर मेरा पाइक वगैरह या फिर ये अपग्रेड हो पाए ना तो मैं इसको करता हूँ सबसे पहले तो। और भाई फाइनली मेरे पास ये सारी चीज़ तो आ गई हैं, ये तो भाई स्पॉइल हो चुका है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। मेरे पास ये भी काफ़ी चीज़ें आ चुकी हैं, तो गाइस एक काम करता हूँ इसको मैं ट्राई करके देखता हूँ, अगर मैं इसको कर पाता हूँ यूज़ तो ओके। सबसे पहले तो इन दोनों को मैं पहले तो अपग्रेड करूँगा। ओके भाई ये सारी चीज़ें मैं कर चुका हूँ, देख सकते हो भाई मैंने ये तो कर दिया है। अभी मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि देखो मेरे पास नार्कोटिक्स हैं ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं काम करता हूँ ये नए वाला जो एरो है ना मैं ये वाले बना लेता हूँ। तो इसके लिए मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए रहेंगी, रुको जरा 11 है ना, और ये कितने बनेगा। अबे यार इसके लिए भी ये चाहिए भाई। ओके आई थिंक ये वो डायनो है, ठीक है ये है वो डायनो। रुको जरा 6,000 हेल्थ है ना यार इसकी, एक काम करता हूँ इसको को मार के देखता हूँ कितना एक बार में करता है। ओके एक बार में काफ़ी ज़्यादा टॉर्पर दे दिया इसने। ओके भाई ये तो बहुत भाई वन हेड शॉट ही भाई कितना गंदा डैमेज दे दिया यार इसको। गाइस ये चीज़ सही है यार, बहुत अच्छा एरो है बे। अभी इसको जल्दी मार पाऊंगा रुको। चलो भाई हमारा फाइनली अब पेट्रोडॉन में उड़ा सकता हूँ, इसको करने के बाद ये मेरे को क्रेटिन दे देगा खूब सारा, और इसको भी मैं मार ही दूंगा। तो चलो गाइस मेरे को क्रेटिन खूब सारा मिल चुका है, बाकी इन डोडोडो से तो टर्की वगैरह से मैं दूर रहता हूँ, इनसे तो पंगे नहीं ले रहा अभी भाई, एक मेरे को ऑलरेडी छील चुका है सच में। अभी चलते गाइस सबसे पहले तो मैं पेट्रोडॉन का सैडल बना सकता हूँ सबसे पहले तो,
और उसके बाद एक ढूंढते हैं एक बेस लोकेशन। और मेरे को यार समझ में नहीं आ रहा, मैं सोच रहा हूँ कि इधर ही बना लिया जाए क्योंकि ये जगह अच्छी है यार, इतनी बेकार जगह तो नहीं है ये। ओके तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना यार, मेरे को ये बेस लोकेशन बनानी चाहिए या फिर नहीं। बेस तो अभी मैं नहीं बनाने वाला, सबसे पहले तो यार मेरे को बैचेज़ वगैरह क्रॉप्स वगैरह चाहिए, तो उसके लिए मेरे को सामान चाहिए रहेगा। ओके तो सबसे पहले तो वो करता हूँ। बाकी यहाँ पे है मेरे को ट्राइलोबाइट मिल चुकी है, तो सबसे पहले ट्राइलोबाइट को मारते क्योंकि ओके गाइस तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने बना ली अपनी सैडल पेट्रो की। अभी एक काम करता हूँ, जल्दी से चलता हूँ पेट्रो की सैडल पहनाता हूँ और मैं चलता हूँ गाइस काफ़ी सारे रिसोर्सेज लेने हैं, जैसे कि अपना पॉलीमर हो गया और देखते गाइस बेवर डैम से मैं अपना सीमेंटिंग पेस्ट भी लूट के आऊँ, तो भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो चलते का ही जल्दी से। पॉलीमर मेरे को बहुत इजी मिल जाएगा कि मेरे को जाना है अपना ग्रीन ऑब्लिक के पास और वहाँ पे मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बट दिक्कत गाइज एक चीज़ की है, वहाँ पे रहेंगे काफ़ी सारे डायनोज जो कि भाई मेरे डायनो को मार भी सकते हैं, और भाई सच में क्या ही लैग हो रहा है। ओके गाइस तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपना केव के अंदर, और मैं केव के अंदर क्यों आया हूँ, दो वजह गाइस। एक तो मेरे को यहाँ पे काफ़ी सारा सीमेंटिंग पेस्ट के लिए अपना चेटन मिल जाएगा और काफ़ी सारा मेटल भी मिल जाएगा, तो एक काम करते हैं यहाँ पे जो भी मकड़ी वगैरह रहेगी ना, जो भी स्पाइडर वगैरह रहेगी मैं उसको मार दूंगा। और यहाँ पे वैसे तो यार अपना ये आता है, आया क्यों नहीं, बट ओके गाइस यहाँ पे मेरे को आर्टिफैक्ट मिलता है बट है नहीं है अभी, पता नहीं क्यों नहीं है, बट कोई दिक्कत नहीं गाइस। सबसे पहले तो मैं अपना ये ढूंढता हूँ, अगर मेरे को मिलता है तो स्पाइडर वगैरह, तो उन्हीं को मार के मैं अपना सीमेंटिक वेस्ट वगैरह ले लूँगा। देख सकते भाई आर्थोप्लोरा भी घूम रहा है यार यहाँ पे, 61, ओ भाई 61,000 हेल्थ है यार इसकी। ये क्या था यहाँ पे, हेलो भाई, अभी सीन ये है कि मैं इसको मारूंगा कैसे, दिक्कत ये है इसको तो मैं मार दूंगा, बड़ा छोटा है ये, बट उसको कैसे मारूंगा इनको पता नहीं, बोला भी लगता है कि नहीं गाइस। सबसे पहले तो मेरे को ये देखना पड़ेगा इनको बोला भी लगता है कि नहीं, बाकी मेरे को इसको थोड़ा दूर रखना पड़ेगा। ओके गाइस फाइनली मैं ऊपर तो आ चुका हूँ, अभी मेरे को इसको मारना पड़ेगा पूरी तरह। ओके बहुत इजी लग तो गया इसको, बट ये ऊपर नहीं आ पाएंगे ना, अगर ऊपर आ गए तो दिक्कत हो जाएगी मेरे को ज़रा। इसको लग तो जाएगा गाइस, ये बोला तो लग रहा है इसको। ओके इसको भी लग गया, ओके दोनों को लग चुका गाइस। सबसे पहले तो मैं इसको मारूंगा, रुको गाइस सबसे पहले मैं इसको मारूंगा, भाई रुको 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 रुको, बहुत जल्दी सीन हो जाएगा ये तो भाई। नहीं 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 भाई साहब ये क्या कर दिया भाई मैंने, भाई मेरा पेट्रोडॉन बहुत दूर है भाई, भाई मेरा पेट्रोडॉन बहुत दूर है यार, अब मैं कैसे करूँगा। गाइस मेरा पेट्रोडॉन भी वहाँ पे है, अरे नहीं भाई, भाई मेरा पेट्रोडॉन, अरे यार गाइस 5,000 मीटर दूर है यार, मैं क्या करूँ भाई, मेरे को एक और पेट्रोडॉन टेम करना पड़ेगा क्या। गाइस रुको यार एक काम करता हूँ, एक और पेट्रोडॉन टेम करता हूँ, कोशिश करता हूँ, मेरे को इसका ब्लूप्रिंट भी मिल रखा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं भाई। ये गलत सीन हो गया यार, बहुत ज़्यादा गलत सीन हो गया गाइस रुको। ओके सामने घूम तो रहा है, ओके ओके सामने घूम तो रहा है, मेरे को इसको जल्दी करना पड़ेगा, रुको ज़रा। ओके तो फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ अपना ऊपर, और भाई फाइनली भाई अच्छा हुआ मेरा डायनो जो है भाई वो सही सलामत है भाई, नहीं तो बहुत ज़्यादा गलत सीन हो जाते। और यहाँ पे घूम रहा है एक डोडो जो कि भाई मेरे को इसको नीचे गिराना पड़ेगा, रुको ज़रा। ओके गाइस ये फाइनली बेहोश तो हो जाएगा, जल्दी से हो जा हो जा हो जाएगा। ओके गाइस फाइनली ये बेहोश तो हो गया, अभी गाइस सबसे पहले तो इसको मारता हूँ मैं। ओके गाइस मेरे को मिल तो चुका है, और भाई हेलो बेडस का टोकन ही नहीं मिला यार इससे तो मेरे को। चलो गाइज मेरे को सेम ही मिल गया, कोई दिक्कत नहीं गाइज मेरे को काफ़ी सारा ये मिल चुका है। अभी भाई एक काम करता हूँ, मैं अपना डायनो को बाद में ले जाऊँगा क्योंकि भाई मैं अभी जा रहा हूँ पॉलीमर लेना है, और पॉलीमर काफ़ी ज़्यादा चाहिए रहेगा, तो वो सारी चीज़ें बाद में करूँगा। ओके सबसे पहले तो मेरे को इन डायनोज को मारना पड़ेगा, काफ़ी सारे हैं यहाँ पे तो। भाई सच में जो लैग हो रहा है ना भाई मैं ही जानता हूँ।
ओके गाइज, भाई पता नहीं यार मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करी थी पर भूल गया यार। गाइज देख सकते हो मैंने काफ़ी सारा अपना पॉलीमर ले लिया है, और अभी चलते गाइज जल्दी से घर पे और करते गाइज ये सारी चीज़ें। पहले तो यार मैं कोशिश करूँगा अपना एक क्रायो बना लूँ। ओके बस मेरे पास ऑयल और मेटल, मतलब कि घर पे मेटल तो रखा है बट ऑयल नहीं है, ऑयल का मैं जुगाड़ कर लूँगा क्योंकि मैं पानी के पास हूँ, तो पानी में काफ़ी सारा मेटल मेरे को, सॉरी ऑयल मेरे को काफ़ी सारा मिल सकता है, तो उसकी टेंशन नहीं है मेरे को। ओके तो भाई सबसे पहले तो मैं पहुंच चुका हूँ घर पे, अभी एक काम करता हूँ भाई, पूरी रात हो चुकी भाई, लिटरली कितना ज़्यादा टाइम लग गया। तो गाइज मेरे पास आ चुकी है ट्राइलो वाइट, इसको भी मैं मारी तो भाई 22,000 हेल्थ है यार इसकी, सीरियसली गाइज क्या डायनो है ये। ओके तो गाइज मेरे पास मिल चुका है काफ़ी सारा सामान, देख सकते हो गाइज मेरे पास अपना ये भी काफ़ी चीज काफ़ी सारे हो गए हैं अपने सिलिका पल्स। ओके तो अभी गाइज मैं अपना ये सारी चीज़ें बना सकता हूँ। तो गाइज सबसे पहले तो एक काम करता हूँ, थोड़ा ग्राइंडिंग और कर लेता हूँ, मेरे पास ऑयल भी आ चुका है तो एक। ओके तो गाइज क्रायो बन चुका है, ये क्या मेरा क्रायो, ठीक है। तो गाइज सबसे पहले तो मैं क्रायो बना चुका हूँ। ओके सबसे पहले तो एक काम करूँ, रुको इसको मैं अंदर कर देता हूँ। ओके गाइस तो देख सकते हो ये मेरा क्रायो अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। अभी गाइस थोड़ी बहुत ग्राइंडिंग कर लेता हूँ, रात बहुत हो चुकी है, और बनाते गाइस एक वर्क बेंच, मेरे पास ऑलमोस्ट सारा सामान हो चुका है। ओके ओके गाइस तो देख सकते हो भाई मैंने ये सारी चीज़ें कर ली हैं। तो गाइस ये देख सकते हो मैंने अपना बना लिया है फैब्रिकेटर, और मैंने गाइस काफ़ी सारी चीज़ें कर दी थी, देख सकते हो क्रॉप्स मेरे उगना चालू भी हो गए हैं। हालांकि इनको गाइस वो जो 300 एफिशिएंसी वाला वो जो मिलता है वो नहीं हो पाया है, बट अभी गाइस एक काम करते हैं, सबसे पहले बनाता हूँ भाई मैं अनुनाकी की अपना वर्क बेंच। देख सकते हो मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें आ चुकी हैं, मोस्टली मैं बना सकता हूँ। मेरे को पॉलीमर चाहिए, ओके मेरे को पॉलीमर दे देता हूँ मैं इसको, और मेरे को चाहिए इंगट काफ़ी सारे। रुको गाइज मेरे पास काफ़ी सारे इंगट्स भी होंगे, कहाँ गए मेरे इंगट्स, हेलो ओके मेरे पास ही हैं, रुको। ओके गाइज मेरे पास काफ़ी सारे इंगट भी आ चुका है, देख सकते हो भाई। अब ये काम करता हूँ, हेलो अभी बार बार क्या चाहिए इसको, ले भाई ये सारी चीज़ें रख ले भाई तू। ओके तो फाइनली गाइज मैं बना सकता हूँ अपना काफ़ी सारा सामान। तो गाइज देख सकते हो मैं बना चुका हूँ अपना अनुनाकी की वर्क बेंच, जो कि भाई सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। तो गाइज देख सकते हो ये सारी चीज़ें मेरे को काम करेगा लगेगा। तो गाइज ये सारी चीज़ें मैं बाद में ही बना पाऊँगा, क्योंकि अभी ना ही मेरे कॉप्स ओके हैं और ना ही मेरे पास अभी कुछ भी ब्लड वगैरह है। तो गाइज मेरे को काफ़ी सारे डायनोज मारने पड़ेंगे। कल गाइज करते हैं अपना एक डायनो टेम, जो कि अपना सबसे पहला, मैं मोस्टली सोच रहा हूँ यार मेरे को अपना बेडेस पॉइजन वाला डायनो टेम करना चाहिए, क्योंकि भाई वही ज़्यादा एफिशिएंट होता है, सबसे ज़्यादा वही अच्छा होता है। एक काम करूँगा अपना अपना प्राइम मीट के लिए मैं तो कुछ तो अपना कैंप फायर वगैरह लगा दूंगा, जो कि मेरे को कुक्ड प्राइम मीट भी मिल सके। तो चलो गाइज आज के एपिसोड में इतना ही, आई होप आपको ये छोटा सा एपिसोड अच्छा लगा। गाइज मैं जानता हूँ भाई मैं थोड़ा बोरियत लग रहा है, बट क्या करूँ यार थोड़ा सा ग्राइंडिंग है, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, मैं नहीं चाहता भाई इतनी बड़ी वीडियो हो। ओके तो चलो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, और आई होप ये आपको एपिसोड अच्छा लगा, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं गाइज आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड नमस्ते।